Mirchi Bollywood. अक्षय कुमार, राधिका आप्टे और सोनम कपूर की फिल्म पैडमैन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। पैडमैन के साथ अक्षय फिर से एक अहम मुद्दे को लेकर आए हैं। बता दें कि ये फिल्म अरुणाचलम मुर्गनाथम की जिंदगी पर आधारित है, जिन्हें पूरे विश्व में पैडमैन के नाम से जाना जाता है। फिल्म की कहानी मध्य प्रदेश पर बेस्ड है, जहाँ का रहने वाला लक्ष्मीकांत चौहान यानी अक्षय कुमार अपनी बीवी गायत्री यानी राधिका आप्टे और गांव की महिलाओं की माहवारी की तकलीफ को देखकर अपनी बहन, पत्नी और माँ के लिए पैड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद लक्ष्मीकांत की पत्नी गायत्री भी उसे छोड़ के चली जाती है। फिर अपने जज्बे को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत गांव से शहर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात परी यानी सोनम कपूर से होती है। फिर क्या होता है, उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि फिल्म में अमिताभ बच्चन भी सरप्राइज करते हैं, लेकिन आखिर के 10 मिनट आपको बांध कर रखते हैं। खास तौर से यूएन में अक्षय कुमार द्वारा दी गई स्पीच। इतना ही नहीं, क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि फिल्म के इंटरवल के पहले का हिस्सा थोड़ा धीमा है और थोड़ी कमियां हैं, लेकिन फिल्म देखने लायक है। बात करें स्टार्स की एक्टिंग की, तो फिल्म में अक्षय ने बेहतरीन काम किया है। वहीं सोनम कपूर और राधिका आप्टे भी अपने किरदार में फिट नजर आई है। फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है और ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग के लिए ये फिल्म देखी जा सकती है। इसके साथ ही अगर आप खास मुद्दों पर बनी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो पैडमैन जरूर देखें। जाते जाते आपको बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए हैं।